आजकल क्या है कलीसिया में क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं कलीसिया के अंदर बिशप पद के लिए, बड़े बड़े डायरेक्टरशिप के लिए, बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए जब वो होते हैं, तो साहब देखिए साहब, उसको मिलाएंगे, उसको खाना करेंगे, उसको पैसे देंगे, पैसे देकर जो है और लोगों को अपनी तरफ मिलाकर उत्साहित करके कि किसी तरीके से ये जो कुर्सी है, बिशप की जो कुर्सी है, जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है, जो डायरेक्टर की कुर्सी, ये मुझे मिल जाए, इस कुर्सी के लिए लड़े, मगर उस कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के 7 खंड हैं, जिसमें से हम दूसरे खंड की बात कर रहे हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने लौदीकिया कलीसिया के बारे में सीखा था और आज इसका दूसरा और अंतिम भाग है लौदीकिया कलीसिया के बारे में, कि परमेश्वर का वचन लौदीकिया कलीसिया के बारे में और क्या बातचीत हमसे करना चाहता है। यदि आप लौदीकिया कलीसिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से 22 पद तक आप पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे 7वें पॉइंट से बात करेंगे और यहां है मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करना। अब यहां पर जो है, आपने देखा पिछले संदेश में भी आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। यानी लौदीकिया कलीसिया का जो दूत है उसने किसी प्रकार का प्रभु की नजरों में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। जब अच्छा काम किया ही नहीं है तो प्रभु प्रशंसा क्या करेगा? प्रभु ने लौदीकिया कलीसिया के दूत की प्रशंसा ही नहीं करी है। यानी लौदीकिया कलीसिया काल का जो भी दूत रहा, जो भी हो सकता है, वो आपकी कलीसिया का दूत हो या किसी भी कलीसिया का दूत आप मानते हो या आप खुद उसको फॉलो कर रहे हो, यानी कोई काम की प्रशंसा नहीं है कि आज बहुत से काम हो रहे हैं। हम सब लौदीकिया कलीसिया के मेंबर हैं, हम सब लौदीकिया कलीसिया काल के लोग हैं, इसलिए हमारे हम कितना भी धार्मिकता के काम कर लें, कुछ भी कर लें, मगर प्रभु के समक्ष जो है हमारे कामों की प्रशंसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभु की इच्छा है उसके कामों को करने की, वो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो प्रशंसा जो है वो नहीं करता है। इसका 8वां पॉइंट है मसीह द्वारा लौदीकिया के दूत के काम की निंदा करना। जी हाँ, अब यहां पर जो है देखिए, निंदा करने वाली, पिछले पद में भी हमने बात करी थी कि प्रभु जो है कैसे निंदा करता है। मैं एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 3 का 17वां पद। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब यहां हम लोग क्या कहते हैं, अरे हमें किसी बात की घटी नहीं है। क्यों भैया घटी नहीं है? जब कलीसिया को आपने डाकुओं की खो बना रखा है तो घटी किस बात की होगी? अब डाकू जो है वो तो लूट रहे हैं, लूट के अपना भरना भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, तो घटी किस बात की होगी? यहां कहता ना मुझे किसी बात की घटी नहीं। हाँ सही में किसी बात की घटी नहीं। घटी किस बात की नहीं? आत्मिकता की, प्रभु के वचनों की, प्रभु की आज्ञाओं की, प्रभु के प्रेम की घटी है, प्रभु के क्षमा करने की जो है वो घटी है, बहुत सी बातों की घटी है। हाँ संसारिक भोजन वस्तुओं की, संसारिक चीजों की, संसारिक भोग विलास की जो है वो घटी नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। और इसलिए वो क्या कहता है, वो देखिए क्या निंदा कर रहा है और कह रहा है कि तुझे, तू कहता है किसी बात की घटी नहीं है, तू अभागा है, मैंने जैसे पहले भी बताया, यानी तुच्छ है, बिल्कुल अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है और तू नंगा है। आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके अंदर ये सब एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अभागा है और तू तुच्छ है और तू कंगाल है और तू अंधा है और तू नंगा है। तो यहां पर जो है उसकी निंदा कर रहा है और फिर प्रभु जो है इस कलीसिया के दूत को जो क्या कहता है, मसीह द्वारा लौदीकिया कलीसिया के दूत को सम्मति देता है, यानी 9 पॉइंट जो है इसका, और ये सम्मति देता है परमेश्वर का वचन जो बताता है इसका। 18 से 20 पद तक मैं पढ़ रहा हूं कि क्या काउंसलिंग कर रहा है और क्या उसको बताना चाहता है। यहां लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 का 18 से 20 तक। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लग। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगरम हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा
तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। अब यहां परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है, 18वां पद जो है वो क्या कहता है, मैं तुझे सम्मति देता हूं, सलाह दे रहा हूं, काउंसलिंग कर रहा है हमारी कि हमें किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। अब आग में ताया हुआ सोना क्या है? अब लोग क्या कहते हैं, प्रभु देख तूने तो कहा इसलिए देख हम सोने चांदी के गहने अपने घर में लाके रखे हुए हैं, क्योंकि तूने कहा आग में ताया हुआ सोना ले ले। भाई आग में जितना सोना तपाया जाता है उतना वो प्योर गोल्ड होता है और उतना ही वो निखर के आता है। परंतु यहां जो है ताया हुआ जो है क्या चीज, ताया हुआ सोना कहते किसे है? जब आप भजन संहिता 18 का 30 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या है, ताया हुआ है यानी तपाया हुआ प्योर है बिल्कुल, और उसको लेना है। फिर भजन संहिता 119 का 140 में लिखा है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखिए भजनकार क्या कह रहा है कि तेरा वचन जो है पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से जो है वो ताया हुआ है, यानी शुद्ध है, प्योर है, है? और इसलिए मैं उससे प्रेम रखता हूं, और इसलिए प्रेम रखता हूं और मैं उसे पकड़े रहता हूं। आज ये चीज लेने की है, परमेश्वर का वचन जो देने की बात कर रहा है। फिर है नीति वचन 30 के 5 में लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वे अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। देखिए अब यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक एक वचन, जो भी आप वचन पढ़ते हैं वो सब ताया हुआ प्योर है, उसको लेना है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। नीति वचन 23 के 23 में लिखा, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को, ये जो शुद्ध वचन जो हमें दिया गया है, इसको आज हम, इसको हमने क्या बना दिया, बिजनेस बना दिया है। जी हाँ, बिजनेस बना दिया है, और इसको बेच रहे हैं, इसको लोग खरीद रहे हैं, और आप बहुत कमाई कर रहे हैं, और वही हिसाब हो गया। फिर से मैं वही कहूंगा, डाकों की खो बना रखा है परमेश्वर की कलीसिया को जो है, और यही जो है, और सबसे बड़ी बात क्या है, सच्चाई क्या है, परमेश्वर का वचन तो सच्चाई है, यीशु मसीह खुद एक सच्चाई है। और यूहन्ना 17:17 जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। आज परमेश्वर का वचन सत्य है, और उसकी सच्चाई को क्या है, ताक पे रखा हुआ, बेच दिया। सच्चाई कुछ है और बता कुछ रहे हैं। आज सच्चाई के अनुसार परमेश्वर के वचन की सच्चाई से कोसों दूर है, बस उनको अपना इनका मानी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहीं ये नहीं कहता है कि, वो कहता है ना जैसे याकूब की पत्री में लिखा ना कि जो बीमार हो उसके सर पर तेल मले, और तेल मले उसके लिए प्रार्थना करे, विश्वासी जन की प्रार्थना से वो ठीक हो जाएगा। आज उस तेल को बेच रहे हैं, हजारों रुपए में बेच रहे हैं, पानी पे दुआ करके उसको बेच रहे हैं। वाह क्या बिजनेस है, बहुत बढ़िया। परमेश्वर का वचन ये कहीं पर भी नहीं कहता है, मगर आज ये तो डाकुओं की खो बना रखा है। और कुछ अगर कोई तेल और पानी करके नहीं बेच रहा है तो कोई वैसे बेच रहा है, कोई कह रहा नहीं साहब आपको दशवांश दो, ये दो, दशवांश देना चाहिए, मगर नहीं साहब वो दशवांश कहाँ है, किस तरीके से, वो सिर्फ अपने लक्सरी, बड़े बड़े अधिकारियों को देख लो, लक्सरी गाड़ियां हैं उनके पास, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और बहुत, और पुलपिट पे आके बहुत बड़ा भाषण देते हैं, बहुत। आज देख लीजिए क्यों, क्योंकि वो अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं। सच्चाई को उन्होंने क्या रखा, ताक पे रख दिया है, बेच दिया है, बिजनेस बना लिया है। फिर लिखा है वो कहता है मोल ले ले, वो कहता है मोल कैसे मोल ले ले, परमेश्वर का वचन ये कहता है। अब ये समझना है कि तू ताया वो वचन मुझसे मोल ले ले, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यानी हमें क्या करना, हमें अपने आप को, हमारे जो अंग हैं, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी आंख, सब परमेश्वर को सौंपे हैं। परमेश्वर तू हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे प्रत्येक अंगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर, इनको हथियार की तरह इस्तेमाल कर कि शैतान का ये सामना कर सके और शैतान को हरा सके। परमेश्वर ये कहता है कि इस तरीके से जब हम परमेश्वर को सौंपते हैं तब परमेश्वर अपना सच्चाई का वचन हमें सौंपता है। जब हम सौंपेंगे नहीं तो परमेश्वर कहां से जो है हमें अपना प्योर वचन जो है वह हमें देगा। रोमियो 6:19 में लिखा है, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। कि हमें अपने अंगों को सौंपना यहां परमेश्वर मांग रहा है, परंतु हम देख क्या रहे कि तू धनी हो जाए। कैसे धनी हो जाए,
अब यहां लिखा पहला कुरंतियों 1:5, सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए गए हैं। ठीक है, हमें देखिए कैसे धनी होना है। परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है ना, अभी हमने पढ़ा कि तू धनी हो जाए। किस बात पे कैसे धनी हो जाए? पहला कुरंतियों 1:5, सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हैं। पहला तीमोथियों 6:18, और भले कामों में धनी हो जाए, यानी भली कामों में धनी बने। याकूब 2:5 में विश्वास में धनी बने। इन सब बातों में हमें धनी बनना है, मगर हम बन किस में रहे धनी? हम तो सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में, सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं में, पैसे में, धन में, इन चीजों में जो है हम धनी बन रहे हैं, परंतु इन चीजों में हम धनी नहीं है। वचन में धनी नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान में धनी नहीं है, भले कामों में धनी नहीं है, विश्वास में धनी नहीं है। फिर दूसरा कुरंथियों 8:9 में लिखा, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर है, स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते थे, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं थी, कोई भी दुख वहां नहीं है स्वर्ग के अंदर, स्वर्गदूत उसकी सहायता और मदद कर रहे हैं, परंतु वो सब आनंद का सारी चीजों को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आया मनुष्य रूप लेकर, और मेरे और आपकी तरह मनुष्य रहकर। और उसने कहां पर जन्म लिया? देखिए, उसने जन्म जो है एक जो गरीबी में उसने जन्म लिया, और उसका जन्म जो है कहां हुआ? गौशाले में हुआ। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, गौशाला में। क्यों? ताकि हम उस पर विश्वास करके हम धनी हो जाए, हमारी पहुंच उस तक हो जाए। वो किसी राजा महाराजा में, वो बहुत बड़े महल में भी पैदा हो सकता था, परंतु हमारी पहुंच वहां तक नहीं। वो सोच, प्रभु यीशु मसीह ने ये सोचा कि हर एक मनुष्य कि पहुंच मुझ तक हो सके, वो मेरे तक पहुंच सके, और आत्मिक बातों में, आत्मिक चीजों में, वो स्वर्गीय वस्तुओं में वो धनी बन जाए, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करे। और इसलिए वो कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। परंतु आज उसका नाम लेकर, देखिए बात वही है, उसका नाम लेकर हम धनी तो हो रहे हैं, परंतु संसारिक तौर से, आत्मिक तौर से नहीं हो रहे हैं, संसारिक तौर से हो रहे हैं। और फिर क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया कि हम धनी हो गए, इसलिए हम धनी हो गए। संसारिक तौर से उसने नहीं कहा, आत्मिक तौर से हमें धनी होना है। फिर यहां पर है पॉइंट है, स्वस्थ वस्त्र ले ले, ताकि तू पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा ना हो। आप जब पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, जब आप पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि इस पद को जो हूं मैं पढ़ देना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य, और उसका यहां पर 7 अध्याय है और 13 और 14 पद है, यहां लिखा हुआ है 13-14 पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकलकर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए हैं। अब यहां बड़े समझने की बात है, अपने अपने वस्त्र, यहां पर ये वाले वस्त्र जो हम पहने इनकी नहीं हो रही है, ये इन वस्त्रों की बात हो रही है। ये जो शरीर का, जो शरीर है हमारा, हमारे शरीर की बात हो रही है। स्किन जो है ये पाप में नहीं होनी चाहिए। जब हमारा शरीर पाप में हो जाता है, यानी हम जो है अपवित्र हो जाते हैं। और यहां लिखा है कि श्वेत वस्त्र देने का मतलब, श्वेत वस्त्र देने का मतलब है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरी पवित्रता हमें धारण करवा दी है। हम पूरी पवित्रता के साथ धारण हो गए हैं, पूरी पवित्रता को हमने धारण कर लिया है, पूरी पवित्रता से हम भर गए हैं, परमेश्वर की, प्रभु की पवित्रता से भरे हैं। जैसे पिछले संदेश में भी मैंने उदाहरण दिया था, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 25 पद, और इसमें भी वही उदाहरण दे रहा हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरी पवित्रता से परिपूर्ण थे, भरे हुए थे आदम और हवा, और दोनों लिखा है कि दोनों नंगे थे परंतु लज्जाते यानी शर्माते नहीं थे, क्योंकि वो उन्होंने पूरी पवित्रता को धारण कर रखा था, इसलिए शर्म नहीं थी। वही पवित्रता प्रभु जो है मुझे और आपको देने की बात कर रहा है, यानी इस कलीसिया, लोकदय कलीसिया के लोगों को। फिर है, अपनी आंखों में लगाने के सुरमा जो है वो ले ले। जैसा मैंने अभी इसकी हिस्ट्री में भी बताया था, लोकदय कलीसिया में जो था, जो शहर था, उस उनका एक बड़ा बिजनेस हुआ करता था, और वो जो आंखों में लगाने के लिए सुरमा होता था वो बहुत लाभदायक होता था, उससे आंखें अच्छी रहती थी और दिखाई भी ठीक देता था, आप पढ़ सकते थे आराम से सारी चीजें। वो कहता है सुरमा ले ले। सुरमा लेने की जो बात है वो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, देखिए यहां पर जो है, मैं फिर से
19 पद पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 3:19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सबसे बड़ी बात क्या है, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि हमें क्या करना है कि हमारी आंखें क्या हो, वो ज्योतिमय होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जब हम मन फिराते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, तो हमारी जो आत्मिक आंखें हैं, जैसे एफिसियों 1:18 में लिखा हुआ है, पूरा पद नहीं पढ़ा है मैंने, मगर मेन चीज बता रहा हूं, एफिसियों 1:18 में क्या लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। हमारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कब होंगी? जब हम पापों से मन फिराते हैं, जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंपते हैं, जब हम प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा जो मन है, हमारे मन की जो आंखें हैं वो ज्योतिमय हो जाती हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3:12 में भी लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर का वचन जो है वो इस तरीके से जो है बात करता है। फिर प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। यह आपने सुना, क्या है इस पद के अंदर, यानी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ संगति करना चाहता है, फेलोशिप करना चाहता है, आपके परिवार के साथ बैठकर, आपके परिवार के बच्चों के साथ बैठकर, आपके पूरे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बैठकर संगति करना चाहता है, फेलोशिप करना चाहता है आपके साथ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं और अपने घर के दरवाजों को, अपने मन के दरवाजों को, आपके परिवार के हर एक लोगों ने अपने मन के दरवाजों को खोला है, तो प्रभु यीशु मसीह अंदर आता है, आपके साथ रहता है, आपके साथ 24 घंटे रहता है, बैठता है, उठता है और आपके साथ एंजॉय करता है आत्मिक बातों को लेकर जो है, क्योंकि आप प्रभु के साथ जो है वो बने हुए हैं। फिर है परमेश्वर का वचन, यह कहता है कि मसीह द्वारा लुद्दिया कलीसिया के दूत को चेतावनी देना। अब यह बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन क्या करता है, चेतावनी देता है। अब चेतावनी क्या दे रहा है, प्रकाशित वाक्य 3:19 फिर पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देखिए यहां पर क्या है कि परमेश्वर कहता है कि तू सरगर्म हो और मन फिरा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अब हमें ठंडा, या तो हम पूरी तरीके से अविश्वासी होते हैं, प्रभु कहता चलो अविश्वास, हमें पूरी तरीके से विश्वासी बनना है और इसलिए मन फिराना है। विश्वासी बनने के लिए अपने मन को, अपनी बुराई को दूर करना है। अब प्रभु जो है यही चेतावनी दे रहा, मन फिरा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, जो है परमेश्वर का वचन कहता है। फिर है मसीह द्वारा लुद्दिया कलीसिया के लोगों को जो रिवार्ड दिया जाता है वो क्या है, देखिए यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:21-22 पद है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठाया गया हूं, जिसके कानों वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो जय पाए, आपने देखा जय पाए, किसने जय पाई, यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। और पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 54-55 पद में इस बात को कहता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, ठीक है, और मृत्यु तेरी जय कहां रही है? तो हमारी जय कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह इन बुराइयों पर, पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, इन पे जो है जय पाना है। और वो कहता है कि जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने पिता के सिंहासन पर बैठाऊंगा, यानी हमें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सिंहासन पर बैठा है, ऐसे हमें वो अपने साथ अपने सिंहासन पर जो है प्रभु यीशु मसीह बैठाएगा। अब सिंहासन की बात हो रही, कुर्सी की बात हो रही, क्योंकि आजकल क्या है कलीसिया में क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं कलीसिया के अंदर, बिशप पद के लिए, बड़े बड़े डायरेक्टरशिप के लिए, बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए जब वो होते हैं, तो साहब देखिए साहब, उसको मिलाएंगे, उसको खाना करेंगे, उसको पैसे देंगे, पैसे देकर जो है और लोगों को अपनी तरफ मिलाकर उत्साहित करके कि किसी तरीके से ये जो कुर्सी है, बिशप की जो कुर्सी है, जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है, जो डायरेक्टर की कुर्सी, ये मुझे मिल जाए, इस कुर्सी के लिए लड़े। मगर उस कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जिस कुर्सी पर, जिस सिंहासन पर जो है बैठाना चाहता है। लुद्दिया कलीसिया के लोग जो हैं आज कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं और कुर्सियों की जो चर्चा है, इसलिए प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें स्वर्ग में भैया कुर्सी दूंगा, एक ऐसी कुर्सी जो सिंहासन कहलाती है उस पर बैठा लूंगा।
परंतु नहीं साहब, हमें तो संसारिक कुर्सी चाहिए। इस संसारिक कुर्सी के साथ जो है वो चिपकी रहेगी और इसी कुर्सी के साथ चिपके चिपके उस नरक में जाओगे, वहां बैठना, वहां बैठाएगा शैतान, बैठाएगा कुर्सियों पर, ऐसी ऐसी गरम गरम कुर्सियों पर बैठाएगा कि उछलते नजर आएंगे। और इसलिए हमें क्या चाहिए, जो परमेश्वर चाहता है। और इसलिए वो हर एक कलीसिया के लोगों से कहता है, जिसके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कह रहा आत्मा, आत्मा की आवाज कौन सुन रहा है? बार बार चीख चीख के परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा, आत्मा कलीसियाओं से। मगर लोग दिया कलीसियाओं के कान में क्या है, वो कहता ना कि तू अंधा है, अंधे के साथ साथ बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो है बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वही चीज है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आप ये सोचोगे कि ये जो बात कही जा रही है तो दूध के लिए कही जा रही है, हमारे लिए तो है नहीं, हम तो बच गए। आप भी नहीं बचे हो, क्यों क्यों नहीं बचे हो? जब प्रभु यीशु मसीह उस दूध के बारे में कह रहा है कि तू अभागा है, नंगा है, तुच्छ है, कंगाल है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उस दूध को फॉलो कर रहे हो, आप उस दूध की बातों को मान रहे हो, आप उस दूध ने जो भी संदेश दिया है उसको मान रहे हो, जो नियम उस दूध ने बनाए हैं उसको फॉलो कर रहे हो, इसलिए आप उस दूध की हर बात को मान रहे हो, इसलिए आप भी अभागे हो, नंगे हो, तुच्छ हो। और परमेश्वर जो है आप सबको भी जो इन दूतों को मानते हैं उनको अपने मुंह से उगल दे पा रहे हैं। ये याद रखें, बचेगा कोई नहीं, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, मैं भी नहीं बचूंगा। मैं ये मत समझिए कि मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, मैं भी उसके अंदर इन्वॉल्व हूं। अगर मैं किसी के लुकदेई कलीसिया के दूत को मानता हूं और उसको फॉलो कर रहा हूं और उसके नियमों को मान रहा हूं, तो मैं भी अभागा हूं, मैं भी तुच्छ हूं और मैं भी नंगा हूं। ये सोच लीजिए, कोई नहीं बचेगा। इसलिए इन बातों से निकले, इन कलीसियाओं से निकल कर प्रभु की दुल्हन में, प्रभु की कलीसिया में परिवर्तित हो। और प्रभु की कलीसिया के बारे में आप पढ़ लीजिए एफिसियों 5 अध्याय उसका 26 और 27 पद। प्रभु जो है वचन के द्वारा और जल के स्नान से एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है, जिसमें किसी भी प्रकार की झुर्री, कलंक और कोई भी दोष ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो। आज सभी कलीसिया में चाहे कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो दोष और झुर्रियां होती हैं। जैसा मैंने कहा कि बिजनेस वाली कलीसिया है, अब बिजनेस वाली कलीसिया है तो चोर और डाकुओं की खो है, तो फैसला आपके हाथ में मेरे प्यारे भाई। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए आपको निकालना चाहता है, उसमें से निकलिए। वो कहता है, हे मेरे लोगों, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए, हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बुराई, जब मैं उनकी बुराई का दंड उनको दूं तो वो दंड तुम्हें ना मिले। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आवाज देता है, हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, निकलिए, प्रभु की कलीसिया में परिवर्तित होइए, प्रभु की दुल्हन में परिवर्तित होइए, फिर देखिए परमेश्वर का राज हमसे दूर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह है लुकदेई कलीसिया काल का, हमारा लुकदेई सातों कलीसियाओं का जो संदेश था वो समाप्त होता है। आगे हम प्रकाशित वाक्य में आगे जाएंगे, जब हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां और भी अद्भुत बातें, जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते जाएंगे, बहुत अद्भुत और अनोखी और आश्चर्यचकित और अचंभित कर देने वाली और आनंद कर देने वाली जो है बातें हमें सीखने को मिलेंगी। प्रभु आप सबको आशीर्वाद।